विंटर इज कमिंग और चीन कोई गड़बड़ी ना करे इसलिए भारतीय सेना ने पूरी तैयारी कर ली है। पिछले 29 महीने से चीन झगड़ा करने का बहाना ढूंढ रहा है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सेना मुस्तैद है। इस बार तरीका थोड़ा बदला गया है, रणनीति भी थोड़ी बदली जा रही है, हथियार भी अपने होंगे, तारीख भी अपनी होगी। इसलिए इस वक्त M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर K9 वज्र तोपों को चीन बॉर्डर पर तैनात किया गया है। तहखाने की 6 रेजिमेंट पहले से तैयार है और अब 7वें रेजिमेंट की तैयारी है और इस वक्त पोखरण में प्रैक्टिस भी की जा रही है। पोखरण में जहां इंडियन आर्मी वॉल ड्रिल कर रही है, ऑन द लोकेशन ग्राउंड जीरो पर हमारे डिफेंस एडिटर पहुंचे हैं और वहां से आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। चीन पाकिस्तान पर यह धमाका भारी है। इंडियन आर्मी की तोप वाली तैयारी है। यह धमक M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर तोप की है जो भारत चीन बॉर्डर पर तैनात की गई है। M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर की 6 रेजिमेंट आर्मी में शामिल हैं। यह 7वीं रेजिमेंट की तैयारी है। हम आपको इधर दिखा दें तो ये इस समय 7th रेजिमेंट का ट्रायल चल रहा है। उसके साथ साथ ये चारों तरफ यहाँ पर गन्स लगी हुई हैं और यहाँ पर इफेक्टिवली ये 4.5 टन की ये M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर जिसका वेट है चिनूक से, इसे आसानी से फ्लाई किया जा सकता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर इसे डिप्लॉय किया गया है और इसकी इफेक्टिवनेस बात की है कि अपने पूरे एरिया को 39.5 किलोमीटर के इफेक्टिवली ये ध्वस्त करने की इसकी काबिलियत है। नॉर्दर्न इंडो चाइना बॉर्डर जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड के करीब 2142 किलोमीटर तक, ईस्टर्न इंडो चाइना बॉर्डर सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश की 1346 किलोमीटर तक दुश्मन के हर वार का जवाब है M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर। हमारे साथ मेजर सुमित हैं। सर, कितनी काबिलियत है इस गन की और इस समय जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे उससे करेक्शन किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, कैसे ये फंक्शनिंग है इसकी? ये गन एक सेमी ऑटोनोमस गन है। इस गन में हमें एक फैसिलिटी दी गई है, गन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे कि हम इसे ऑटो ओरिएंट और ऑटो फिक्स कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस गन के ऊपर काफी इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, उनसे हमारे नंबर वन को ये मदद मिलती है कि वो गन को ऑटोमेटिक ले कर सके और ये नंबर थ्री तक पहुंचा सके, जो गन को ले करता है और उसको स्पीड के साथ, एक्यूरेसी के साथ टारगेट तक, राउंड को पहुंचाता है। इस गन में हमें एक और फैसिलिटी मिलती है जिसमें कि गन एम्प्लेसमेंट यानी गन का प्लेटफॉर्म पे आना लगभग 3 मिनट लेता है और गन को ले जाने के लिए लगभग 2 मिनट लगते हैं। कुल मिला के कितनी इफेक्टिव रेंज है और 1 मिनट में कितने राउंड फायर कर सकता है और इफेक्टिवनेस के साथ साथ ये इजीली से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? हाँ, ये एक लाइट वेट होविट्जर है तो इसे मूव करना बहुत आसान रहता है, जिसमें हम इसे FAT के द्वारा और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और चिनूक के द्वारा मूव कर सकते हैं। इसका रेट ऑफ फायर 1 से 4 राउंड्स है जो कि 2 मिनट में किया जा सकता है और इस गन को प्लेटफॉर्म पे लाते ही हम रेडी कर सकते हैं। और आप देखें तो यहाँ पर अलग अलग एलिवेशन में पूरी तैयारी के साथ गन्स को डिप्लॉय किया गया है, जहाँ एक तरफ इफेक्टिवनेस के साथ यहाँ पर गन फायर हो रहा है तो 7वें रेजिमेंट को अब भारतीय सेना का हिस्सा बनाने की पूरी तैयारी है। ये इस समय पोखरण फायरिंग रेंज में लगातार फायरिंग की जा रही है और फायरिंग करने का मेन मकसद ये है क्योंकि 6 रेजिमेंट ऑलरेडी M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर की भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी है। 7वीं रेजिमेंट को जल्द से जल्द भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जाएगा। जो चैलेंजेस हैं खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, उसके लिए ये काफी गेम चेंजर के तौर पर इस गन को देखा जाता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद मॉडर्न वॉर सिनेरियो में तोपखाने का रोल और भी बढ़ गया है। ये बात साफ हो गई है कि जिसका तोपखाना ताकतवर है उसकी युद्ध में बढ़त है और ये तैयारी इंडियन आर्मी के तोपखानों को और भी मजबूत करने की है।
आने वाले दिनों में तोपखाने में तकरीबन 5000 से ज्यादा आर्टिलरी गन शामिल होंगे। 100 और K9 वज्र तोप को शामिल किया जाएगा। K9 वज्र में माइनस डिग्री के लिए विंटर किट भी लगाई गई, मतलब चीन या पाकिस्तान से युद्ध की हालत में तैयारी पूरी है। मॉडर्न वॉर में इंडियन आर्मी की तोपें तैयार हैं। इस समय इंडियन आर्मी में 4 पिनाका रॉकेट रेजिमेंट है। आने वाले दिनों में 6 और पिनाका रॉकेट रेजिमेंट में शामिल किया जाएगा। इसके साथ साथ एक धनुष की रेजिमेंट नॉर्दर्न बॉर्डर पर तैनात की गई है। दुश्मनों की गोली बारूद को पकड़ने के लिए स्वाति राडार को भी भारत चीन और भारत पाकिस्तान की सरहद पर तैनात किया गया है। मतलब अगर दुश्मन की तरफ से गोलाबारी हो रही है तो उसकी पूरी रेंज राडार पर होगी और जवाब जोरदार होगा। मॉडर्न वॉर के लिए तोपखाना जरूरी है और उससे भी ज्यादा तोपखाने को लेकर आत्मनिर्भरता जरूरी है। जिस देश के पास खुद का तोपखाना है दुश्मन के होश उड़ाने के लिए काफी है। अच्छी बात यह है कि आर्मी की ताकत स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन यानी ATAGS गन बढ़ा रहे हैं। आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा ताकत नहीं देगी। दुश्मनों को जवाब देने के लिए तोपखाने की ताकत जरूरी है, इसलिए 7वीं रेजिमेंट की तैयारी की जा रही है। आने वाले दिनों में आर्टिलरी रेजिमेंट में लॉयटरिंग म्यूनिशन ड्रोन भी दिखेंगे, जिसे आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने में सक्षम, दुश्मन की टोह लेने के लिए UAV की तैयारी। 70 से 120 किलोमीटर रेंज के UAV भी जल्द सेना में शामिल होंगे। ये भारतीय सेना की M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर्स है, जो इस समय 6 रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन चुकी है। अब 7वीं रेजिमेंट का यहाँ पर पोखरण रेंज में ट्रायल चल रहा है। पूरी तैयारी की गई है। 39.2 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है और ठीक सामने यहाँ पर जो M777 अल्ट्रालाइट होविट्जर है ये फायर करते हुए अलग अलग एलिवेशन में दिखाई दे रही है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय K9 वज्र टी 100 की संख्या में भारतीय सेना को जल्द मिलने वाली है। 6 पिनाका की जो और रेजिमेंट है वो मिलेगी। धनुष नॉर्दर्न बॉर्डर पे एक रेजिमेंट डिप्लॉय हो चुकी है और इसीलिए अब भारतीय सेना मॉडर्न वॉरफेयर के तहत आठवीं रेजिमेंट, जिसे गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है, उसको और सशक्त करने के लिए अलग अलग रेंजेस के UAV ले रही है, ताकि जो OP ऑफिसर्स हैं उनको पूरी जानकारी मिल सके और सटीक जानकारी के साथ लॉयटरिंग म्यूनिशंस भी हों, ताकि इससे इफेक्टिवली जो एनिमी पोजिशन है उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया TV News Google Play Store या App Store पर।